अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। तो आज आपने ये टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं रिज़ल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आपको ये बताऊँगा कि कुछ हफ्ते पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि फ़र्स्ट ईयर के रिजल्ट अनाउंस होना स्टार्ट हो गए थे, जिसमें से पहला रिज़ल्ट आया था प्राइवेट ग्रुप्स के, कुछ रिज़ल्ट आए थे आर्ट्स और कॉमर्स के प्राइवेट के रिजल्ट्स आए थे, जिसको मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से देख सकते हो। तो साथ साथ अभी न्यू अपडेट्स आ गई हैं, न्यू चैनल मतलब न्यू रिजल्ट्स की अपडेट्स आ चुकी हैं। अब रेगुलर्स की आ चुकी हैं, ह्यूमनिटीज रेगुलर का रिजल्ट आ चुका है, जनरल साइंस ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है। आप जाकर चेकआउट करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से इसको इस रिज़ल्ट को जाकर चेक कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, किधर जाना है और किस पूरा प्रोसीजर आपको बताऊँगा कि साइंस जनरल ग्रुप का रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हो, स्पेशल कैंडिडेट का कैसे चेक कर सकते हो। आई थिंक सो साइंस जनरल ग्रुप के ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको ज़्यादा एक्साइटेड होंगे किस तरह से ये रिजल्ट देखा जा सकता है। उससे पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, क्योंकि मैं यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, अगर आपको वो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको इस तरह की न्यूज़ देते रहूँ। साथ साथ मैं लेक्चर्स के साथ साथ आपको मैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक पढ़ाता हूँ और तमाम लेक्चर्स आपको देते रहता हूँ, जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट भी करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि रिज़ल्ट आप किस तरह से देख सकते हैं। तो आए हम लोग देखते हैं कि रिज़ल्ट किस तरह से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको मोबाइल और कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप दोनों से करवाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। तो चलो आओ हम इसका तरीका देख लेते हैं कि किस तरह से ये हम चेक करेंगे। तो आज सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में आना है, आपको किसके मोबाइल के मोबाइल में आना है, मोबाइल खोलना है, क्रोम हो कोई सा भी आपके पास ब्राउज़र हो उसमें जाना है। जाने के बाद आपने लिखना है डब्ल्यू, आप एड्रेस बार में लिख लो या फिर आप उसमें लिख लो, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी ऊपर लिख देता हूँ, एड्रेस बार में लिख लेता हूँ, ठीक है। www.biek.edu.pk, मतलब BIEK का मतलब होता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। जैसे ही आप ये लिखोगे और एंटर करोगे तो आपके पास एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट खुल जाएगी। तो आपने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा बिग कर लेता हूँ, लार्ज मतलब कि जूम कर लेता हूँ और इस क्लिक हेयर रिज़ल्ट के क्लिक हेयर में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला खुल गया, इसमें लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ ह्यूमनिटीज का रिज़ल्ट है, कॉमर्स का है, जनरल साइंस जनरल साइंस ग्रुप का है। तो आप कर सकते हो इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इसको खोला किस तरह से जा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, आपका जो रिज़ल्ट है जिसको आप चेक करना चाहते हो आपको जस्ट उसमें जाके क्लिक करना है। देखिए मैं भी करता हूँ, ये तमाम रिजल्ट्स हैं, आप एक बार चेक कर लो। मैंने साइंस ग्रुप पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया डाउनलोड का बटन दबाया, डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ये तमाम रिजल्ट्स आ गए। ये साइंस जनरल ग्रुप का है तो आप चेकआउट कर सकते हो, दिल्ली गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं इसके अंदर जिसके आप देख कर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। चलें अब ये तो मैंने आपको मोबाइल से चेक करने का तरीका बता दिया, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से डेस्कटॉप में करके देख सकते हो। तो इसमें भी सेम वही है, आपने एड्रेस बार में जाना है, एड्रेस बार जो ऊपर जो www करके लिखा हुआ होता है ना, उसे हम एड्रेस बार कहते हैं। तो आपने उधर जाना है, वहाँ जाने के बाद आपने www.biek.edu.pk, ठीक है, ये लिखना है, फिर एंटर करना है। तो सेम उसी तरह का आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा जैसे आपके पास मोबाइल में खुला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, आप देख सकते हो इसमें तमाम आपके मॉडल्स पेपर, ये तमाम पेपर्स इसके अंदर अपलोड होते रहते हैं, आप यहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे आपको पता है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं कुछ जल्द, तो उसके बारे में भी मैं आपको सबसे पहले आपको मैं अपलोड करके बताऊँगा किस तरह से आप चेक करोगे। और साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं देख लें रिज़ल्ट है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सेम उसी तरह खुल रहा है जैसे मोबाइल में था आपके पास, तो सेम आप उसी तरह से कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी खुल के लिखा हूँ, जनरल साइंस ग्रुप पे क्लिक किया आपने, जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको जो सर जो जिस कॉलेज में आप हैं उस कॉलेज के बारे में आप इसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हो, अपना फर्स्ट ईयर का जनरल साइंस ग्रुप या चाहे आर्ट्स के हो, जिस ग्रुप के भी आप हो आप चेकआउट कर सकते हो। या तो इसको डाउनलोड करना है, जाके डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है एंड देन इसे सेव कर लेना है। और साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि मैं अपने चैनल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेज करवा रहा हूँ, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।